कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हो रही हैं। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मौके पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की कार्रवाई और प्रदर्शन को देखकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसके विरोध में राजधानी भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकत्र हुए। भोपाल के रोशनपुरा चौराहा स्थित जवाहर भवन के सामने कांग्रेस ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये धरना कांग्रेस पार्टी के लोग दे रहे हैं। जिस तरह से हमारी नेता और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ईडी ने समन दिया है नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें वकील पहले ही सब क्लियर करते हैं, कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी जी को बुलाया, उनसे सब चीज क्लियर हुई। लेकिन ये दबाव की राजनीति जो अंग्रेज करते थे कि कांग्रेसियों को अंग्रेज जेल के अंदर सालों साल, 10-10 साल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी को रखा, लेकिन डरे नहीं कांग्रेस ही उस समय, जो देश आजाद कराया। ये देश भी इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ये कांग्रेस के लोग आजाद करा के रहेंगे। इस तरह की ईडी के संबंध से या पेशी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमारी नेत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद टुकड़ा दिया था उसको कॉल कर रहे, शेरनी है, डरने वाली नहीं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे सीने में, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में। शुरू से हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस आया है और उन्हें डराने धमकाने के लिए ईडी का नोटिस दिया गया है। उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर यहां पर धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश में और देश में किया जा रहा है और भोपाल में भी उसी कड़ी में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आगे भी विरोध करती रहेगी। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अपराध को उत्सव कैसे मनाया जाता है यह कांग्रेस से सीखना चाहिए। प्रदर्शन कर कांग्रेस ईडी पर दबाव बनाना चाहती है। इससे पहले युवराज गए तो कांग्रेस सड़कों पर थी, आज राजमाता जा रही है तो भी ये सड़कों पर है। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है, भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। पहले युवराज गए थे तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस, अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आप अगर गलत हैं तो मीडिया के सामने कह दो कि हम गलत हैं, इसमें जाके बताने में क्या दिक्कत है। पर अपराध को उत्सव कैसे बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहते हैं ये ईडी पर कांग्रेस के लोग, जो ठीक नहीं है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, विधानसभा 2018 के कांग्रेस प्रत्याशी, मोर्चा संगठनों के अलावा सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, भोपाल।